order or dimension of a matrix. The number of rows and columns that a matrix is called order or dimension of matrix. ऑर्डर ऑफ डायमेंशन क्या होते हैं, इसमें जो हमारे पास हो नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम जो होते हैं इसको कहते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। इसको रिप्रेजेंट करते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स एज रिप्रेजेंटेड बाय, इसको हम एम बाय एन। ये हमारे पास हो एक्स नहीं है, ठीक है, न मल्टीप्लीकेशन का साइन है। आप इसको इस तरह रीड नहीं कर सकते एम क्रॉस एन, आप इस तरह इसको रीड करेंगे एम बाय एन। एम क्या होता है, एम होता है नंबर ऑफ रोज। मैं यहाँ पर थोड़ा सा लिख देता हूँ आपके लिए, नंबर ऑफ रोज एंड एन हमारे पास होता है नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम। एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ, यहाँ पर मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। ये हमारे पास एक मैट्रिक है, इसमें जो हमारे पास है टू कॉलम्स है, ये हमारे पास एक कॉलम है, सॉरी ये हमारे पास रो है रो वन, ये हमारे पास हो दूसरा रो है, जो हमारे पास हो और ये हमारे पास हो कॉलम वन कॉलम टू एंड कॉलम थ्री। हमें इस तरह क्वेश्चन दिए होंगे और इसमें हमें फाइंड आउट करना होगा कि ये हमारे पास हो इसमें क्या ऑर्डर है उसका। ऑर्डर कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसके जो रो होंगे वो हम उसको काउंट करेंगे। ये हमारे पास एक टू रो है तो हम पहले क्या लिखेंगे एम लिखेंगे, एम हमारे पास क्या है नंबर ऑफ रो है, तो हम जब लिखेंगे तो ये इसको यहाँ पे लिखेंगे ऑर्डर ऑफ एम या डायमेंशन ऑफ एम। तो ये हमारे पास होगा टू और ये हमारे पास कितने काल में वन टू थ्री, थ्री काल में टू बाय थ्री, या आप इस तरह भी लिख सकते हैं टू बाय थ्री, इस तरह भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। इसमें हमारे पास जो पहले आपने नंबर ऑफ रो जो होंगे वो आपने काउंट कर लिए हैं कि आपके जो आपको मैट्रिक्स दिया गया है इसमें कितने रोज हैं और कितने कॉलम हैं। पहले आपने रो लिखने हैं उसके बाद आपने उसके कॉलम लिखने हैं। यहाँ पर मैं दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पर करवा देता हूँ आपको। इसमें हमारे पास हो कितने रोज है और कितने कॉलम है, तो हमारे पास हो यहाँ पर एक रो है और एक हमारे पास हो थ्री कॉलम्स है, तो ये हमारे पास हो जिसका हम ऑर्डर फाइंड आउट करेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे इसका जो ऑर्डर ऑफ ए है वो हमारे पास हो, इसको मैं दूसरा नाम देता हूँ ऑर्डर ऑफ बी, जिसका जो हमारे पास ऑर्डर ऑफ बी होगा वो होगा वन बाय थ्री, वन बाय थ्री इसका सोल्यूशन होगा। इसमें क्वेश्चन आने वाले तो इसमें आपने एक्सरसाइज में आपने ऑर्डर मालूम करना होगा कि इसे कितने क्या ऑर्डर है, इसका कितने रोज है और कितने काल में। अगर आपको पता होगा कि रोज क्या है कॉलम क्या है तो आप इजी से ऑर्डर फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम चलते हैं इक्वल मैट्रिक की तरफ। इक्वल मैट्रिक क्या होता है और इसमें एक दूसरा रह गया रेक्टेंगुलर मैट्रिक और स्क्वायर मैट्रिक और ये समझेंगे, और रो मैट्रिक क्या होता है और ये हम समझेंगे, उसके बाद जो है एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो ये मैं रेस्ट करता हूँ एग्जाम्पल, उसके बाद जो है ना मैं आपको यहाँ पर ये वाला समझाता हूँ जो इक्वल मैट्रिक है, उसके बाद जो है ना हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक और स्क्वायर मैट्रिक समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास है इक्वल मैट्रिक का डिफिनेशन, टू मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर एंड करिस्पॉन्डिंग एलिमेंट आर सेम, जिसमें हमारे पास जो मैट्रिसेस होंगे दो मैट्रिसेस होंगे। मैं एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ, यहाँ पर एक हमारे पास है एक ओ, ये हमारे पास एक मैट्रिक है जिसमें हमारे पास ये एलिमेंट जो है इस दो मैट्रिक के जो एलिमेंट है, मैं आपको पहले भी कह चुका हूं जिसके अंदर जो ये नंबर होते हैं, ये एलिमेंट जो अंदर होते हैं मैट्रिक के अंदर, ये हमारे पास इसके एलिमेंट कहते हैं, जो ये हमारे पास इसके एलिमेंट है। इसके जो एलिमेंट है व्हेन टू मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर, इसका जो ऑर्डर होगा ये क्या है टू बाय टू है, यहाँ पर हमारे पास टू रो है और टू कॉलम है, ये आप देख सकते हैं टू कॉलम है और टू रो है, इस तरह यहाँ पर भी है। टू रो और टू कॉलम दोनों के जो ऑर्डर है वो सेम है, एक कंडीशन हमारे पास यहाँ पर जो है ना प्रूफ होगा कि इसके जो ऑर्डर है ये सेम होगा।
दूसरा है करस्पॉन्डिंग एलिमेंट आर सेम, इसके जो एलिमेंट है अंदर ये भी सेम होना चाहिए, मतलब एक इसमें जो है ना ये सेम 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 होना चाहिए। अगर ये हमारे पास सेम है तो ये हमारे पास होगा इक्वल मैट्रिक्स। आई होप आपको समझ आया होगा, इसमें जो हमारे पास अंदर जो एलिमेंट है ये सेम होंगे तो ये हमारे पास हो इक्वल मैट्रिक्स होगा, तो ये हमारे पास हो ए इक्वल टू बी होगा। अगर इसके अंदर ये होता है इक्विवेलेंट मैट्रिक्स हो, वो इसमें नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए उसमें जो है ना सिर्फ नंबर ऑफ इसका जो ऑर्डर होगा वो सेम होना चाहिए, बाकी एलिमेंट अगर सेम ना हो तो वो भी उसको इक्विवेलेंट मैट्रिक्स।